नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शक। बीपीएससी तैयारी 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के निराशा हाथ लगा है। शिक्षा विभाग ने अब कहा कि इसकी अनुशंसा नहीं की जाएगी, जिसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब सड़कों पे उतर गए। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जब बीपीएससी तैयारी 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की गई तो फिर बीपीएससी तैयारी 2 में आखिर क्यों नहीं। इसके लेकर के पटना मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हुए हैं। आखिर किस वजह से पटना मिलर हाई स्कूल आप लोग पहुंचे हुए? सर, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पहुंचने का। कभी धूप, आज तो धूप खुल गई है, कल परसों से इतनी भयानक ठंड के बीच हम शिक्षा विभाग और बीपीएससी का चक्कर काट रहे थे। हम दो बार शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनको अभी पूरे तरीके जानकारी, उन्होंने तो काफी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, बट जब हम विभाग जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरे हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हम काफी ज्यादा दौड़ भाग कर रहे हैं, तब जाकर के हमें खबर आ रही है कि हम जारी करना नहीं चाह रहे हैं। 19 तारीख को लेटर का जारी हो जाना कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं चाहिए, बीपीएससी को लेटर भेजा गया, उसके पहले आप बोल रहे हैं कि हमें लेटर चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 तारीख को जब पत्र आवंटन किया जा रहा था उस समय कह दिया गया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ट्वीट कर दिया गया। उसके बाद सर, किसकी बात है जो सुनी नहीं जा रही है? और ये सारे अच्छे लोग हैं, सारे अधिकारी, सारे हमारी बात सुनते आए हैं हमेशा से, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी 14,762 रिक्तियां जो है कम से कम, जिसपे ऐसे तो काउंसलिंग की बात की तो काउंसलिंग मात्र 73,000 लोगों की हुई है, रिक्तियां टोटल 1,22,000 आई थी, और 22 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर 2023 के बीच में कुल लगभग 93 या 92 हज़ार के आसपास लोग रिजल्ट आया है और 73,000 लोगों का मात्र काउंसलिंग हुआ है। ऐसे तो देखा जाए तो लगभग 50,000 के रिक्तियों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके 50,000 लोगों को नौकरी दी जा सकती है, लेकिन अगर 14,762 लोग जैसा उन्होंने वादा किया था उतने पे भी कर दिया जाए तो एक इंसान से कम 4-4 लोग जुड़े हुए हैं, सबका घर बच जाएगा सर, सबका घर बच जाएगा। जी तो लगातार ये कहते हैं, तेजस्वी जी भी कहते हैं कि आप चट नौकरी पट ज्वाइनिंग वाला हाल है, तो फिर क्यों नहीं आप लोग को मिल रहा? सर, बहुत ही फास्ट काम की गई है, ठीक है, और किसी कारणवश पता नहीं क्या तालमेल, जिस कारण हमारे समय में ये परेशानी होनी थी, तालमेल का गड़बड़ होना था कि हमारी चीजें टली जा रही है। पहले बात हो रही थी कि दिया जाएगा, फिर बात हो रही है कि नहीं दिया जाएगा। सर, हम तो इसमें पिस जाएंगे ना, विभाग में किसके द्वारा क्या किया गया, किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है, किसमें तालमेल नहीं है, पूरे तरीके से तो हम ये चीज समझ भी नहीं पा रहे हैं, ना हमारी उतनी समझ है, पर किसी भी कारणवश हमारी तो नौकरी सर छिन रही है ना, एक एक नंबर से लोग टाई ब्रेकर पे लोग और दो दो नंबर से लोग छूट रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? सर, जैसा दिलीप जी ने बताया, उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठना होगा तो वो भी बैठेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, पर हमें हमारा हक चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होने पर क्या रुख रहेगा? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कलम चलाने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से, जो लीगल लोकतांत्रिक तरीके से, उस तरीके से हम लोगों का जो हक है वो दे देना चाहिए सरकार से, हम लोग यही दे। लेकिन एक चीज है कि मुख्यमंत्री जी को अभी तक संज्ञान लेना चाहिए कि उनके द्वारा कहे गए बात को ही कोई अधिकारी कैसे टाल सकता है, उसकी इतना कैसे हिम्मत जुटा पाते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी बताइए कि जब बच्चों का विद्यालय जो है वो खुला हुआ है, इतनी कड़ाके की ठंड में डीएम को कह दिया गया है कि नहीं खोलना, बंद करना है विद्यालय, खुलना तो के पाठक का आदेश को कोई टाल सकता है? देखिए, वो तो उनका विभाग का मामला है, वो जाने कि वो कैसे खोलना है, के पाठक की बातों काटना है कि नहीं काटना, वो लोग उनका, हम लोगों को जिस मांग के लिए आज पटना में एक जगह एकत्रित हुए, हम लोगों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने TRE 1 में दिया था और हमारा हक बनता है TRE 2 नंबर से आप रह गए, मेरा एक एक नंबर से दो दो जगह रुक रहा है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो मेरा कंफर्म हो जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हाँ, अगर नहीं करता है तो ये जानिए कि मेरे नौकरी को छीन रही है सरकार। फिर क्या करिएगा अगर मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाता तो? देखिए, हम लोग एक शिक्षित लोग हैं, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग अभी कर रहे हैं तब होगा, तो मुख्यमंत्री जी के पास भी लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से लगता है कि अगर उनसे मिला जाए और ये बात उन तक पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तक और उप मुख्यमंत्री जी तक, तो निश्चित रूप से वो दोनों इस पर संज्ञान लेंगे और हमारा हक वो दिलाने का प्रयास करें। JDU कार्यालय पहुंचने वाले थे आप लोग, आज पटना मिलर हाई स्कूल में आप लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे, किस वजह से आप लोग इसे? सर, सबसे पहले एक शिक्षा विभाग द्वारा जारी ही ये लेटर है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अभी तक 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है, शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 2 के पूरक परिणाम की भी घोषणा की जाएगी, जिसको मिला करके यह संख्या 1,00,000 के पार हो जाएगी। तो सर, हम सरकार से मांग करते हैं और शिक्षा विभाग से कि सर, आपने ही ये लेटर जारी किया था और आप ही ने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को यह आश्वस्त किया था कि हम पूरक परिणाम जारी कर रहे हैं, तो फिर आप हम लोगों के साथ अब ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? कि हम लोगों के एक ही मांग है कि जितना सीट बचा हुआ है उन सभी सीटों पर
पूरक परिणाम जारी किया जाए जिससे एक नंबर दो नंबर से छूटे हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो सके। और भी छात्र नेता दिलीप हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलर हाई स्कूल में आप पहुंचे हुए हैं, लगातार आपके साथ अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद 13 जनवरी को कहा था कि जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बचा है जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, और 19 तारीख को यानी 6 दिन के बाद शिक्षा विभाग कह रहा है कि कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना। तो यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री की बातों का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा विभाग के अधिकारी उससे मुख्यमंत्री जी से ऊपर हो गए, तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा विभाग के बीच और बीपीएससी के बीच जो आपसी टकराव है उसको दूर करे, अधिकारियों को निर्देश दीजिए और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश। 3 जनवरी को शिक्षा विभाग ने कहा कि नियुक्ति पत्र जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे जारी किया जाए, 4 तारीख को आयोग ने कहा कि काम चल रहा है, 15 जनवरी को भी शिक्षा विभाग ने मांग की, इसके बाद 19 जनवरी को एकाएक क्या हो गया शिक्षा विभाग को जो कहा कि अभी तो समझ में नहीं आ रहा ना कि शिक्षा विभाग को क्या ऐसा हो गया कि 6 दिन के बाद ही वो पलट जाता है, मुख्यमंत्री की बातों के बाद वो पलटे हैं भाई। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री गांधी मैदान से बोल रहे हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी बोले अब कोई जारी नहीं होगा, तो यानी कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की बातों का कोई महत्व नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए और जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाना चाहिए। हजारों अभ्यर्थी अब आपके तरफ इंतजार कर रहे हैं कि दिलीप जी का क्या रुख होगा, आगे का रुख क्या होगा दिलीप? आगे अगर सरकार बात नहीं मानती, अभी तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, नहीं होगा तो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा का जो सत्र चलेगा विधानमंडल का उस समय भी आंदोलन करेंगे। क्या कहिएगा आप लोग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी नहीं? अभी तक तो हम लोग इंतजार में थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन 19 के लेटर को देखकर लगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग को कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 2 से 3 दिन हो गया हम लोग शिक्षा विभाग बीपीएससी ऑफिस में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अगर इसके बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आता तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग से जो हो सकेगा वो सब करेंगे रिजल्ट। सब्जेक्ट से आप? इंग्लिश से। इंग्लिश से कितना नंबर से रहा? 1 मार्क्स से। 1 मार्क्स? हाँ बिल्कुल। कहाँ से आई हैं? जी सर, इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद? जी सर, इलाहाबाद से लड़कियां आई हैं, बंगाल से आई हैं, उड़ीसा से आई हैं, झारखंड से आई हैं, हर एक जगह से लड़कियां आई हैं। जी तो कहते हैं अब राम राज आ गया, फिर आप लोग परेशान? जी सर परेशान है, तभी तो हम लोग यहां तक आए हैं सर। योगी जी राम राज नहीं लाए? अभी तक तो नहीं आया सर, अभी आयोग बन रहा है, आप देखिए कब तक सुचारू रूप से चालू होता है, कब तक वैकेंसी, यूपी में 4 साल हो गए शिक्षक वैकेंसी अभी कोई नहीं आया। जी सर, अगर बात की जाए तो आप किस सब्जेक्ट से थे? इंग्लिश से हैं सर। कितने नंबर से रहे? टाई ब्रेकर से रुके हुए। जी सर, डीओबी के कारण। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर जारी की जाती है तो आप? बिल्कुल सर, इसी उम्मीद में हम लोग आए भी हैं। नहीं हुआ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी सर? नहीं होगा, ये देखिए ये हम लोगों का हक है, हम लोग किसी से मांग नहीं रहे, पहले ही कह दिया गया था, और जितनी वैकेंसी आई थी उसमें मात्र 73,000 लोगों की अभी तक काउंसलिंग हुई है और बाकी 15,000 लगभग सीटें सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे खाली है और वो माननीय अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा भी गया था के माध्यम से कि हम काम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे। और ये देखिए, और आयोग से एक नोटिस जारी होती है, उन्होंने कहा भी था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, तो इन्होंने फिर अब फिर 19 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया कि जो हम लेटर दिए थे अब उस पे आप रिजल्ट न जारी करें। अब सोचिए कि 2 विभागों के बीच में क्या हुआ, लेकिन उसमें लाखों अभ्यर्थी पिस रहे हैं और उनकी मनोदशा इतनी बुरी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, मेंटल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके, कुछ सोच सके आगे के बारे में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और आयोग के अध्यक्ष जी से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना भरोसा हम लोग उन पे किए हैं उस भरोसा को कायम रखते हुए वो अपनी वादों को पूरा करें और जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। तो ये थे तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, जबकि बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र भी बट गया और शिक्षा विभाग ने मांग भी की थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, लेकिन अचानक 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने यह कहा कि अब इसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती है। इसके बाद अब बीपीएससी टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी थे वो अब सड़कों पर उतर गए हैं और पटना मिलर हाई स्कूल में अब प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे का रुख होता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शक, धन्यवाद।